व्हाट इज ट्रू फ्रेंडशिप, दोस्ती। और दोस्त हमारे जिंदगी का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमारे लाइफ के हर एक पड़ाव में हमारे कुछ दोस्त हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ निभाते हैं, जिनको हम ट्रू फ्रेंड्स बोलते हैं, रियल फ्रेंड्स बोलते हैं। तो आज हमारी जो टॉपिक है वो दोस्ती के ऊपर हम बात करेंगे, ट्रू फ्रेंडशिप के ऊपर बात करेंगे। तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए, बहुत सारी नई नई इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगा जो आपकी दोस्ती को निभाने में आपको और मदद करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ मधुमिता गोस्वामी और स्वागत है आपको इस वीडियो में। हमारे जिंदगी में दोस्तों का जो पार्ट होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर एक इंसान को अपने दोस्त को चूज करते हुए बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गलत संगत हमारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। हमारे करियर, हमारे गोल्स, हमारे ड्रीम्स, हर किसी चीज को, हमारी पर्सनल लाइफ को बर्बाद कर सकता है, हमें अपने अपनों से दूर कर सकता है, हमारी सारी जिंदगी को, हमारी जिंदगी की कमाई को खराब कर सकता है। तो अपनी दोस्ती को, अपने दोस्तों को चूज करते हुए बहुत सारी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे गलत संगत हमारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, उसी तरह से अगर हमारे जिंदगी में एक अच्छा इंसान है जो हमारा दोस्त है, तो वो हमारी जिंदगी संवार भी सकता है। ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे अच्छे दोस्त की वजह से गलत इंसान गलत रास्तों से सही रास्तों पे आ जाता है, वो अच्छा इंसान बन जाता है। क्योंकि अच्छे इंसान की संगत हमेशा अच्छाई देती है, और अच्छाई हमें हर बुराई से बचाता है, हमें सही रास्तों में चलना सिखाता है। हर एक इंसान के जिंदगी में अलग अलग पड़ाव में अलग अलग दोस्त उसके साथ देते हैं, उसका साथ निभाते हैं। अगर एक इंसान के जिंदगी में उसका एक दोस्त उसके बचपन से उसके बुढ़ापे तक उसका साथ देता है, उसका दोस्ती निभाता है, तो उससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकता। उस इंसान से ज्यादा लकी इंसान दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। बचपन में जब एक इंसान के जिंदगी की शुरुआत होती है, तो उसके लाइफ में उसके फैमिली के बाद उसके दोस्तों का जगह होता है, जहाँ पे फैमिली रिलेशंस के बाद दोस्ती की रिलेशन शुरू होता है। और फैमिली के बाद एक इंसान अपने दोस्त पर ही उतना ज्यादा भरोसा कर सकता है, अपने दोस्त से हर सुख दुख को शेयर कर सकता है, चाहे वो छोटी उम्र की हो चाहे वो बड़ी उम्र की हो। हम अपने फैमिली के बाद अपने दोस्तों को भरोसा कर सकते हैं, उनके साथ अपनी हर सीक्रेट्स को शेयर कर सकते हैं। हमारी जो भी सीक्रेट्स हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, हमें लगता है हमारी हर सीक्रेट्स उनके पास सेफ रहता है, वो उन सीक्रेट्स को आगे किसी और के साथ शेयर नहीं करते हैं। दोस्ती का रिलेशन ब्लड का रिलेशनशिप नहीं होता है, बट अगर दोस्ती सच्चा है, अगर दो दोस्त एक दूसरे के साथ लॉयल है और अपनी दोस्ती को बखूबी निभा रहे हैं, तो ये रिलेशनशिप ब्लड रिलेशन से भी बहुत अच्छा होता है, और ब्लड रिलेशन जैसा भी सच्चा होता है। दुनिया के हर एक इंसान की तरह, हर एक रिलेशनशिप की तरह, इस दोस्ती के रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप में भी छोलछाल रहता है। यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सच्चे दोस्त नहीं होते, पर सच्चे दोस्त का दिखावा करते हैं। वो जब उनकी जरूरत हमें नहीं होता है, तब वो अपने पन का ढोंग करते हैं, और जब उनकी जरूरत हमें होता है, उनकी असल जरूरत हमें पड़ता है, तब वो हमारा साथ नहीं देते, तब वो अपनी असलियत दिखाते हैं हमें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे बिना बोले ही हमारी हर मुश्किलों को समझ जाते, हमारी हर जरूरतों को समझ जाते, हमारा साथ देते, बिना कोई क्वेश्चन करे, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सोचे समझे हमारा साथ देते और हमें हर मुश्किलों से निकालने की कोशिश करते हैं। वही होते हैं हमारे लाइफ में सच्चे दोस्त, जिनको हम ट्रू फ्रेंडशिप बोल सकते, जिनको हम ट्रू फ्रेंड्स बोल सकते हैं। कुछ लोग तो पूरे साल भर हमारा साथ नहीं देते, हमसे कांटेक्ट नहीं रखते, हम क्या कर रहे हैं, हम जिंदा है या मर भी गए हैं, उस बात की उनको कोई फिक्र ही नहीं रहता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बस फ्रेंडशिप डे के दिन उनको याद आ जाता है कि मेरा एक दोस्त, मेरी एक दोस्त वहां पे है, ये इंसान मेरे दोस्त है, उनको इस बात का याद आ जाता है अचानक से। और अचानक से वो उठ खड़ा होते हैं और हमें मैसेज कर देते हैं, फ्रेंडशिप डे विश कर देते हैं। फ्रेंडशिप डे विश करना उनको याद रहता है, पर पूरे साल भर अपने दोस्त, अपने सॉकर दोस्त का हालचाल क्या है वो पूछना उनको याद नहीं रहता है। मेरी इस बात से आप लोगों में व्यूअर्स में बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों के जिंदगी में ऐसे दोस्त है जो सिर्फ दिखावा करते हैं। फ्रेंडशिप डे के दिन वो उनको बखूबी विश करते हैं, उनको याद करते हैं, बट पूरे साल भर में याद नहीं रहता है उनको कि उनकी कोई दोस्त भी है। ये तो कुछ इस तरह का हो गया कि पूरे साल भर में हमें अपने देश के बारे में याद ही नहीं रहा। अचानक से 15 अगस्त को हमें अपने देश के बारे में याद आ गया और हमने झंडा फैला दिया, अपना फ्लैग लेके हमने
स्टॉप कर दिया, तो पूरे साल भर में जिसको देश की याद नहीं आता वो अगर 15 अगस्त को स्टॉप करता है, फ्लैग होस्टिंग करता है, फ्लैग को लेके इधर उधर चलता फिरता है, तो वो देशभक्ति नहीं कहलाता है। ठीक इसी तरह से जैसे 15 अगस्त को सिर्फ झंडा लहराने से देशभक्ति नहीं होता है, उसी तरह से फ्रेंडशिप डे के दिन फ्रेंडशिप डे विश करने से दोस्ती नहीं कहलाता। अगर सच में दोस्त की कदर है, दोस्ती की कदर है, तो उस दोस्त को हर दिन या तो हर महीने एटलीस्ट याद करना चाहिए, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, उसका क्या हाल चाल है, उसकी हमें फिक्र होना चाहिए। अचानक से साल में एक दिन उसकी फिक्र कर लिया और पूरे साल उसको भूल गए, तो ये दोस्ती के नाम पर धप्पा है, ये कोई दोस्ती नहीं है, ये कोई फ्रेंडशिप नहीं है। ना आप उसको दोस्त मानते हैं और ना आप उसको अपना मानते हैं, बस आप उसको अपने पर का ढोंग दिखा रहे, ढोंग कर रहे उसके सामने। ऐसे जो दिखावे वाले दोस्त है, इन दोस्तों से हमें दूर रहना चाहिए, जितना हो सके अपने आप को डिस्टेंस मेंटेन करके चलना चाहिए, क्योंकि इन दोस्तों से हमें कुछ दोस्ती हासिल नहीं होगा, इनका साथ हमें अपने जरूरत के टाइम पे नहीं मिलेगा, उल्टा ये लोग हमें यूज करने की कोशिश करते, अपना काम निकालने की कोशिश करते। जब इनका काम हो जाता है तो हमें ये लोग भूल जाते हैं और कभी हमें याद भी नहीं करते, तो इन लोगों से जितना हो सके दूर रहना चाहिए। सच्चे दोस्ती की अगर एग्जाम्पल लेना है तो हम कबीर सिंह मूवी को एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। कबीर सिंह मूवी में आप लोगों ने देखा होगा तो हम मजुमदार ने जो अपने शिवा का रोल किया था, जो कबीर सिंह का दोस्त था, उसने किस तरह से कबीर सिंह का साथ दिया था, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, जहाँ पे कबीर सिंह की खुद की फैमिली उसको धिक्कार देते, अपने से दूर कर देते, उस टाइम पे भी शिवा ने कबीर सिंह का साथ दिया था, उसने अपना दोस्ती निभाया था, अपना फर्ज बखूबी अदा किया था। एक सच्चा दोस्त इस तरह से होता है जो हर एक सिचुएशन में हमारा साथ देता है, चाहे दुनिया वाले हमारे अगेंस्ट पे खड़ा हो जाए, चाहे पूरी फैमिली हमारे हमारे अगेंस्ट पे खड़े हो जाए, हम अकेले रह जाए, एक तरफ पूरी दुनिया और एक तरफ हम हो जाए, तब भी हमारे सच्चे दोस्त हमारा साथ निभाते, हमारा सपोर्ट करते, हमें हर मुश्किलों से निकालने की कोशिश करते हैं और हमारे जिंदगी को सुधारने की कोशिश करते हैं। दोस्ती निभाने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती है, हालांकि जिंदगी में जिंदगी जीने के लिए पैसों की जरूरत है, मैं मानती हूँ, बट कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है आपके जिंदगी में, आपके पास बहुत पैसा है बट आपके पास कोई दोस्त नहीं होता है, आपको दोस्ती निभाने के लिए कोई दोस्त का साथ नहीं मिलता है, तो ये जरूरी है कि हमारे जिंदगी में एक सच्चा दोस्त हो और उसके साथ हम अपनी सारी जिंदगी, अपनी सारी बातों को शेयर कर सकते, अपनी सारी सीक्रेट को शेयर कर सकते। दोस्ती निभाने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होता है, टाइम का जरूरत होता है। हो सकता है आपके पास बहुत पैसा है बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपने दोस्त को टाइम नहीं दे पाएंगे, उसको केयर नहीं कर पाएंगे, उसकी दोस्ती को आप निभा नहीं पाएंगे और जिस वजह से वहां पे गैप मेंटेन नहीं होता है, गैप क्रिएट हो जाता है, दोस्ती टूट जाता है। तो दोस्ती को निभाने के लिए आप चाहे महीने का 10,000 कमा रहे या 10,00,000 कमा रहे, वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप अपने दोस्तों को, अपने सच्चे दोस्तों को कितना टाइम दे रहे, उसको कितना केयर कर रहे, उसकी हर जरूरतों को किस तरह से पूरा कर रहे। तो अपनी दोस्ती को रेस्पेक्ट करिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए, उनकी केयर करिए। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपके दोस्त बनने का दिखावा कर रहे हैं, उनको आपके अचीवमेंट से, आपके सक्सेस से बहुत जेलसी फील होगा, तो इस तरह का दोस्त अगर आपके आसपास में है तो उनको आज से ही बहिष्कार करिए, उनको अपनी जिंदगी से दूर करिए, उनसे दूर जाइए। और अगर आपके जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो आपका सच्चा दोस्त है, आपको निस्वार्थ तरीके से हेल्प करता है, आपके हर अचीवमेंट में खुश होता है, आपकी सक्सेस में अपना सक्सेस देखता है, तो उस इंसान को कभी गवाइए नहीं, उसको जितना हो सके अपने जिंदगी में टाइम दीजिए, उसको केयर करिए और उसके साथ अपनी दोस्ती हमेशा निभाते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिस टॉपिक में आप वीडियोस चाहते हैं, वो टॉपिक की सजेशन भी आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है और आप मेरी हार्ड वर्क को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को अपने अपनों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह के सोशल टॉपिक, बिजनेस और मोटिवेशन के रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।